लास्ट एक हफ्ते से ना एक ही तरह के कमेंट आ रहे हैं, सबका सेम सवाल। एसके सबीर ने हैकर के साथ खेला है, उसको गिल्ड से किक करो। एसके सबीर हैकर के साथ खेल रहा है, उसका रिप्लाई दो। एसके सबीर का रिप्लाई दो। ऐसे ऐसे करके न जाने कितने कमेंट आए। और यकीन मानो मेरे को इन सब सीन के बारे में कुछ नहीं पता था। ऐसा तुम लोगों का कहना है कि अगर कोई दूसरा बंदा होता उसको तुम तुरंत एक्सपोज कर देते हो, तुम्हारे खुद के गिल्ड मेंबर की गलती है तो तुम उस पर कुछ नहीं बोल रहे हो। देखो मेरे भाई, मेरे को ऐसा कुछ पता नहीं था। तुम लोग को पता है मैं अभी कुछ टाइम से YouTube के ऊपर है ना, एग्जाम का टाइम है, सब एग्जाम में बिजी है और मेरे भी कुछ पर्सनल काम होते हैं जिसकी वजह से मैं एक्टिव नहीं हूँ YouTube पे, ठीक है। फिर मैं गया YouTube के ऊपर और YouTube के ऊपर 3-4 वीडियो मैंने देखे एसके सबीर बॉस के ऊपर। फिर मेरे को पूरा का पूरा सीन पता चला और वही सारी चीज मैं तुमको आज बताने वाला हूँ। मैंने सारी चीजें पता करी, सारी चीजें सॉल्ट करी, देन मैंने बात करा सबीर के साथ कि क्या कुछ सीन है और फिर वही सारी चीजें मैं तुमको अभी बताने वाला हूँ। तो हम शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर ये सारे सीन हुए तो हुए कैसे, ठीक है। अभी जो बात हो रही है सबीर प्लेइंग विथ हैकर, तो तुमको याद होगा अभी से कुछ टाइम पहले अमित भाई का, फिर तुम्हारा ये अंकुश का और भी बहुत से प्लेयर का ऐसा सीन आया था कि वो फ्री फायर खेल रहे हैं हैकर्स के साथ और स्क्रीनशॉट वगैरह वायरल हुई थी, तो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ अंकुश वाला, देख लो। वही सेम चीज अभी हुआ है सबीर के साथ, ऐसे स्क्रीनशॉट वायरल हो रही है, ठीक है। मैं तुमको सबसे पहली चीज बताता हूँ, तुमको पता होगा अभी स्टार्टिंग में सबीर पुश कर रहा था और टॉप 1 मेंटेन भी करके रखा था। लगभग 1.5 साल बाद सबीर ने पुश करा था और मेरे को काफी अच्छा लगा कि चलो अपना बंदा वापस से लग गया, पुश कर रहा है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन उसने अभी पूरा बंद कर दिया, क्यों तुमको पता है? इतने ज्यादा उस बंदे के ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, हैकर के साथ खेल रहा, ये कर रहा, वो कर रहा है। मैं एक चीज बताऊं तुमको गाइस, देखो 2-3 ही बंदे हैं फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर जो कि एकदम सिंपल सरल और ना किसी से मतलब, ना कोई कंट्रोवर्सी, ना किसी से बात करना, दुनिया से अलग रहते हैं। राकेश हैं, सबीर हैं और कुछ ही गिने चुने ऐसे प्लेयर हैं। तुमने देखा होगा राकेश कभी कुछ नहीं बोलता किसी से, ना ही किसी कंट्रोवर्सी में होता। सेम सबीर भाई का है, सबीर ना कभी किसी के साथ बात करता है, ना कभी किसी से कंट्रोवर्सी करता है, ना तुम उसको देखोगे किसी भी मैटर में बीच में बोलते हुए, कभी नहीं। तुमने देखा होगा वो एक तरफ सबसे अलग रहता है और YouTube पे भी एक्टिव नहीं रहता, वो गेम भी बहुत कम खेलता है। इनफैक्ट उसने गेम अभी के टाइम पे पूरा छोड़ ही दिया, तुम ऐसा समझो, बहुत कम, एकदम ना के बराबर खेलता है वो भी। उसने थोड़ा सा मोटिवेशन लेके वापस से सब कुछ स्टार्ट करा था और फिर वापस उसको हेट मिलने लगी, तो ऐसे में कोई भी बंदा अंदर से टूट जाता है और वो टूट गया, वापस से सब कुछ छोड़ दिया। हमारी ऑडियंस की गलती क्या है मैं तुमको बताऊं, हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग बातों पे ज्यादा विश्वास करते, कोई भी आया कुछ भी बोल के चला गया, बस हो गया, एक स्क्रीनशॉट के आधार पे तुम बिलीव कर लेते हो कि कोई बंदा अनफेयर है। कैसे भाई कैसे, जब तक प्रॉपर प्रूफ नहीं आती तब तक तुम किसी को कैसे गलत मान सकते हो। अब बात करता हूं मैं उस स्क्रीनशॉट के बारे में। तो देखो सबीर ने क्या करा, उस बंदे के साथ खेला क्योंकि उस बंदे का रैंक स्कोर जो था वो था 1000 रैंक स्कोर, मतलब ब्रॉन्ज। अब उसमें क्या होता है, अगर ब्रॉन्ज वालों के साथ खेलोगे आप, अगर ग्रैंड मास्टर पे हो, तो आपके सामने जो लॉबी आती है वो बॉट लॉबी आती है, नहीं तो नॉर्मल सी लॉबी आती है, ठीक है। ऐसे भी ग्रैंड मास्टर में कौन सी वाली लॉबी आती है, सड़ी हुई तो लॉबी आती है, तुम सबको पता है ग्रैंड मास्टर की लॉबी बेकार आती है, तो उसमें और थोड़ा बेकार आ जाता है, बॉट बंदे आ जाते हैं। तो ये ग्लिच किसकी है, फ्री फायर की। तो इसमें प्लेयर की क्या गलती है मेरे को तुम बताओगे, अगर कोई भी कुछ ग्लिच यूज कर रहा है तो अनफेयर कैसे हो गया। और यहाँ पे हम जाएंगे रीजन सेक्शन में, ओके। तो रीजन सेक्शन में अभी तुम देख सकते हो तन्वी, नल्ला, यस, ज्ञान राठी, ये सारे इतने प्लेयर है, ठीक है, इतने सारे प्लेयर है मान लो टॉप 50 तक। अब तुमको क्या लगता है ये टॉप 50 के अंदर जितने बंदे हैं ये सारे फेयर खेल के गए? ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ तुमको क्या क्या चीज हुई है इसके अंदर। सबसे पहली चीज, एक आईडी को जो वो 5-6 डिवाइस में लॉग इन करके खेलते हैं वो चीज। दूसरी चीज, 24 आवर्स तक आईडी लॉगिन रखना, मतलब 3-4 लोगों से खिलवाना, ये फेयर है क्या? नहीं ना। तीसरी चीज, ग्लिच यूज करना। चौथी चीज, डबल रैंक टोकन। इसमें से ना जाने कितने प्लेयर ने लगाया होगा, तुमको भी पता है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। और हाँ, ये भी चीज मैं लिख के देता हूँ, टॉप 50 के अंदर एक प्लेयर ऐसा नहीं होगा जो फेयर खेल के गया है, मैं गारंटी तुमको बता रहा हूं। अगर फेयर खेल के कोई जाए ना, टॉप 100 मेंटेन कर ले ना, वो बहुत बड़ी बात है। अगर फिर भी वो 24 घंटे अगर उसकी आईडी लॉगिन रहेगी ना, फिर जाके मेंटेन होगा टॉप 100, और उसके लिए भी उसको किसी और से आईडी खिलवानी पड़ेगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ, वो बंदा सबीर
इतना जाना माना इंसान है, वो कंट्रोवर्सी वगैरह से दूर रहता है, सबसे शरीफ है, तुमको सच में लगता है कि वो ऐसा करेगा, हैकर के साथ खेलेगा? एक बार सच में एकदम दिमाग लगा के सोचो, ऐसी हरकतें करेगा? नहीं करेगा। मेरी उससे बात हुई, उसने बोला कि भाई समझ नहीं आता, एक छोटी सी चीज को ये लोग इतना बड़ा कैसे कर देते हैं, और वो अभी इतना ज्यादा डिमोटिवेट है कि बोल रहा है कि चैनल वगैरह सब कुछ सेल कर देगा। मतलब कैसे लोग हो यार, तुम तुरंत किसी को हेट देने लगते हो, तुरंत किसी को प्यार देने लगते हो, ना कुछ सोचते हो ना समझते हो। मेरे को लिटरली समझ नहीं आता यार इंडियन ऑडियंस का, भाई थोड़ा सा सोचा करो। चलो ठीक है, तुम लोग किसी भी प्लेयर पे अंधा विश्वास नहीं करते हो, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यार थोड़ा सा इंसान को सोचना चाहिए। तो प्लीज थोड़ा सोचो समझो, फिर किसी को हेट दो। और एक और चीज मैं पहले भी बोलता हूँ, अब भी बोलूंगा, कोई मेरा दोस्त हो, मेरा भाई हो, मेरे गिल्ड का हो, अगर वो गलत करेगा तो उसको गिल्ड से मैं किक करूंगा। दूसरी चीज, मैं खुद उसकी रियलिटी बताऊंगा वीडियो बना के। तुमने पहले भी देखा है, इन पास मेरे सारे दोस्त थे, तुमको क्या लगता है नॉनस्टॉप को मैंने एक्सपोज करा? वो मेरा दोस्त नहीं था। पीएन को मैंने एक्सपोज करा, पीएन हर्ष मेरा दोस्त नहीं था, पीएन हर्ष ठीक है लिस्ट में, और ये आज से नहीं, बहुत पुराना दोस्त है मेरा और बहुत अच्छा दोस्त है, ठीक है। फिर भी मैंने क्या उसके गिल्ड के बंदे को एक्सपोज नहीं करा, मेरा दोस्त है तो। और बता रहा हूँ तुमको, नॉनस्टॉप को कितने बुरे तरीके से एक्सपोज करा था। अरे नॉनस्टॉप तो मैं तुमको क्या बताऊँ, नॉनस्टॉप से तो मेरा बहुत पुराना रिलेशन है, लेकिन जो गलत है वो गलत है। और तुमको मेरे आईडी में तुमको इतने यूट्यूबर मिलेंगे ना, इतने कि तुम बोलो मत। और सबसे मेरा रिलेशन तुम एक बार जाके पूछना कैसा रहता है, ठीक है। और फिर भी देखो, यूट्यूब अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह, पर्सनल लाइफ अपनी जगह, प्रोफेशनल लाइफ अपनी जगह। टाइम आने पे मैं किसी को भी गलत करेगा उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो ये तुम मत सोचना कि मैं बायस्ड हूँ या फिर किसी को छोड़ देता हूँ अपना समझ के। नहीं ब्रो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब मैंने क्लियर कर दिया सब्बीर की गलती नहीं, अगर फिर भी तुमको लगता है कि उसने गलती करी है तो अच्छी चीज़ है भाई, तुमको जो लगता है बिलीव करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके अंदर। मेरा काम था मेरे बंदे को डिफेंड करना, क्योंकि वो इतनी सारी चीज़ें नहीं बोल सकता है, उसको पता नहीं क्यों अलग टाइप का बंदा हुआ, सिंपल सरल बंदा है, लेकिन हम सिंपल नहीं है भाई। ऑल राइट यू गाइस, लव यू ऑल, स्प्रेड लव। चीजें क्लियर हो गई होगी, अगर फिर भी कुछ रहता है तो कमेंट करके तुम मेरे से पूछ सकते हो, मैं सारे लोगों की कमेंट का रिप्लाई दूंगा। बाय बाय, लव यू।